साथियों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण सूचना देनी है। मुंबई को 7 मार्च को एक जमात आती है इंडोनेशिया और किर्गिस्तान से, जिसमें पूरे मिला के 32 लोग हैं, जिसमें से 32 में से 11 महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं। ये लोग, इनका जाने का प्लान था 2 अप्रैल का, इनकी टिकट थी, लेकिन 21 मार्च को हमारे यहाँ पे जनता कर्फ्यू रखा गया और 22 से लॉकडाउन कर दिया गया, जिसकी वजह से ये लोग मुंबई में फंस गए। उसके बाद ये जा नहीं सके। लेकिन जमात का एक प्रोसीजर रहता है, जब भी जमात जो स्टेट से या फिर जो कंट्री से आती है तो अपने स्टेट में जो भी सीबीआई सीआईडी की टीम रहती है उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराती है कि इतने लोग आए हैं, उनके पासपोर्ट के आईडी हर चीज दी जाती है, पासपोर्ट के जेरोक्स और जो भी उनके वीजा कॉपी सब दी जाती है। तो वैसा ही प्रोसेस ये लोगों ने किया। अब उसके बाद बैंड्रा वेस्ट सीनियर पीआई, जिनका नाम विजय लक्ष्मी मैडम है, उन्होंने पहले ये लोगों को, जब पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे इंडोनेशिया से यहाँ जमात आई है, पहले ये लोगों को 12 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन में पता चला गया कि यहाँ पर 2 लोग पॉजिटिव हैं, 10 लोगों में से 10 लोगों को नेगेटिव किया, लेकिन नेगेटिव होने के बाद भी उन्हें छोड़ा नहीं गया। उन्हें बोला गया कि भाई इन्हें आइसोलेशन वार्ड में भेजना चाहिए। इन्होंने आइसोलेशन की प्रक्रिया भी पूरी की, उसके बाद भी इन्हें आइसोलेशन में जाने के बाद इन्होंने पूरा क्वारंटाइन पूरा किया। उसके बाद में जो पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट भी, 2 रिपोर्टें अब नेगेटिव आई हैं। लेकिन उसके बाद एक ऐसी घटना जिसे देख के शायद मैं और आप भी थोड़े चौंकन हो जाएंगे, इनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। एफआईआर रजिस्टर्ड होती है अंडर सेक्शन 188, 269, 270 एपिडेमिक एक्ट 1897, और दूसरी इन्होंने सेक्शन लगाई है अंडर सेक्शन 21 महाराष्ट्र कोविड 19 इंप्लीमेंटेशन एक्ट, अंडर सेक्शन 14B फॉरेनर एक्ट, अंडर सेक्शन 51 नेशनल डिजास्टर एक्ट। ठीक है, चलिए ये तो धाराएं इन्होंने ये लगाई है कि भाई आप लोग फॉरेन से आए थे, हमें इस चीजों का आपको मालूमात नहीं, जबकि इनकी पूरी डिटेल्स सीआईडी में जमा होती है जो स्टेट में जाते हैं। लेकिन ये अचंभा करने वाली खबर है कि इनके ऊपर अंडर सेक्शन 304 आईपीसी 307, मतलब इस तरह से कि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। 304 ये कहता है, whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend it to 10 years and shall also be liable to fine if act by which the death is caused is done with the intention of cause death or of causing such bodily injury as likely to cause death, or with imprisonment of either description for a term which may extend it to 10 years or fine. If the act is done with the knowledge that it is likely to cause death but without any intention to cause death or cause such bodily injury as likely to the cause death. इसमें सजा का प्रावधान आपको बता दूं 10 साल और 10 से ज्यादा भी है, इसमें लाइफ का प्रावधान भी दिया गया है। उसके बाद इन्होंने दूसरा सेक्शन लगाया 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। अब मुझे ये बता दीजिए अटेम्प्ट टू मर्डर कैसे होता है। इन्होंने लगाया कि whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by the act caused death he would be guilty of murder shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine and if hurt is caused to any person by such act the offender shall be liable either to imprisonment for life or to such punishment of hereinfor mentioned। अब इसमें भी 10 साल के ऊपर सजा का प्रावधान है। अटेम्प्ट टू मर्डर मेरे अभी तक समझ में नहीं आया, क्या ये किन्होंने के लड़ाई की थी या दंगा किया था, अटेम्प्ट टू मर्डर के ऊपर 304 307 लगाई गई। उसके बाद अनन फानन में ये केस विजय लक्ष्मी मैडम को हटाकर उनकी जगह पे प्रमोद पवार करके हैं, उन्हें रख लिया गया इस केस में। 13 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है बैंड्रा पुलिस स्टेशन में और अरेस्ट किया जाता है इन्हें 22 अप्रैल को, जबकि सभी लोग 8 मई तक इन्हें अब क्वारंटाइन में रखा गया है। 8 मई के जो बाकी लोग अभी क्वारंटाइन में बता रहे हैं, तो 8 मई के जिसमें 2 पॉजिटिव हैं। अब मैं ये बता देता हूं, चलिए ये तो आपको मैंने बता दिया, अब ये मैं बताता हूं कि यही सेक्शन 304 307 उन सभी लोगों पे लायबल है जो लोगों ने धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर या फिर एक गैदरिंग के नाम पर, सोशल गैदरिंग के नाम पर, रिलीजियस गैदरिंग के नाम पर प्रोग्राम लिए। मेरे पास पूरी डिटेल है जो पेपर्स में है। मोर देन 50 लाख पीपल केम टू इंडिया फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम रिलीजियंस फॉर 2 मंथ। 15 लाख से ज्यादा लोग आए थे 2023 तारीख को, 23 तारीख से पहले, लेकिन उनके किसी के खिलाफ
307, 304 दर्ज नहीं की गई, यहां तक कि एफआईआर भी नहीं कही, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ना ही उनका टेस्ट किया गया ना उन्हें क्वारंटाइन भेजा गया। नियरली 1.2 लाख पीपल इंक्लूडिंग फॉरेनर गैदर्ड नमस्ते ट्रंप। अब मेरी बात बताइए, नमस्ते ट्रंप के प्रोग्राम में जो अहमदाबाद में हुआ था वहां पे कम से कम 1.2 लाख लोग आए थे, उनके साथ जो आधे से ज्यादा फॉरेनर थे, क्या उनके ऊपर आप लोगों ने 304, 307 सेक्शन आईपीसी लगाया? नहीं लगाया। उनका कोई क्वारंटाइन हुआ? नहीं हुआ। क्या पॉजिटिव या टेस्टेड हुए वो? नहीं हुए। उसके बाद 26,000 क्वारंटाइन एमपी ड्यू टू श्रद्ध पार्टी मोरेना 20 with 800 पीपल विल टेस्टेड पॉजिटिव। जो श्रद्ध पार्टी रखी गई थी मध्य प्रदेश में, वहां पर 800 पीपल पॉजिटिव थे, तो क्या इनके खिलाफ भी आप लोगों ने 304, 307 सेक्शन लगाई? उसके बाद कनिका कपूर का खुद एक स्टेटमेंट है, मेरे साथ एयरपोर्ट पे जब मैं आई थी तो मेरा कोई टेस्ट नहीं हुआ, ना ही मुझे आइसोलेशन में रखा गया, ना ही मेरे साथ कोई पॉजिटिव, बाद में मुझे बताया गया कि आप पॉजिटिव पाई गई हैं, ऐसा कनिका कपूर में रखा था। उनकी जो पार्टी हुई थी उसमें मोर देन 400 पीपल इन्फेक्टेड थे, पॉजिटिव थे, जिसमें से बहुत सारे सांसद और मंत्री भी थे। क्या उनके ऊपर 304, 307 लगा? नहीं लगा। मोर देन 15 लाख पीपल इंक्लूडिंग फॉरेनर केम टू त्रिमला इन 2 मंथ। 15 लाख से ज्यादा लोग त्रिमला में आए थे, जिसमें से कितने लोगों का कोई टेस्ट नहीं किया गया, अभी तक वो कहां है, किससे मिले, कोई इसकी जानकारी नहीं है। क्या उन्हें पॉजिटिव करार दिया गया? क्या उनके टेस्ट किए गए? क्या उन्हें क्वारंटाइन भेजा गया? नहीं भेजा गया। नियरली 1.5 लाख पीपल गैदर्ड एट कादरी नरमी स्वामी रास्तों में आंध्र प्रदेश में कादरी नरमी स्वामी करके क्योंकि वो है त्योहार है, उसमें 15 लाख लोग गैदर हुए थे 15 मार्च को। क्या इसमें से किन किन लोगों के ऊपर आईपीसी की धारा 307, 304 लगी? निजामुद्दीन मरकज 1830 पीपल 281 फॉरेनर्स। चलिए ये पॉइंट है, सिर्फ निजामुद्दीन मरकज के जो मौलाना है, जिन लोगों को पॉजिटिव हुए थे, जिन्होंने कॉपरेट किया और जिन्होंने क्वारंटाइन हुए, जहां साथ ही साथ नेगेटिव भी पाए गए, जो पॉजिटिव है उनका इलाज चल रहा है और वो रिकवर हो गया, प्लाज्मा अपना डोनेट ब्लड कर रहे हैं, सिर्फ इनके ऊपर ही 304 और 307 की प्रक्रिया क्यों की जा रही है? 450 पिलग्रिम्स एज अ वैष्णवी टेम्पल, जब ये लॉकडाउन हुआ था तो 450 श्रद्धालु थे जो वैष्णवी मंदिर में अटक चुके थे, घर नहीं जा सकते थे, क्या इनके पॉजिटिव टेस्टेड हुए? क्या टेस्टेड हुए इनका कोरोना वायरस? नहीं हुआ। क्या इनके ऊपर किसी के ऊपर आपने धार्मिक भावनाएं के हिसाब से 304 आईपीसी सेक्शन 307 लगाई? नहीं लगाई। यूपी सीएम वॉयलेटेड लॉकडाउन एट अयोध्या। अयोध्या में यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने पूजा की और वहां पर श्रास किया गया, तो क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई? नहीं की गई। बीजेपी एमएलए कर्नाटका पार्टी मोर देन 200 पीपल वायलेटिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के समय जो इनके राजा सिंह एमएलए हैं, वो मशाल हाथ में लेके मशाल रैली निकाली, गैदर्ड हुए सब एक के साथ, सेल्फ डिस्टेंस जो होता है उसे, कानून की प्रक्रिया को पूरी तरह तोड़ दिया गया। क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई? नहीं की गई। बीजेपी एमएलए 1000 पीपल इंक्लूडिंग फॉरेनर गैदर्ड 25th महाशिवरात्रि एट कोयम्बटूर सदगुरु ईशा फाउंडेशन फाइंड मी टेस्ट ऑल दोज पीपल। जब उनके टेस्ट किए गए तो इसमें से आधे से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। क्या इनके खिलाफ किसी कोई तरीके की कानूनी कार्रवाई की गई? नहीं की गई। मध्य प्रदेश लैक्स ऑफ क्रोर माइग्रेंट्स वर्कर वॉक 100-1000 किलोमीटर विद हंगरी विद द लार्ज गैदरिंग ड्यू टू लॉकडाउन, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना वायरस इफेक्ट। आपको पता है दिल्ली से 1000 से भी कहीं ज्यादा लोग लाखों के हिसाब में निकले थे और अपने घर पैदल जा चुके थे, कितनों की मौतें हुई, क्या उनमें से किसी के टेस्ट हुए? क्या उनके ऊपर आप लोगों ने किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई? वो भुखमरी छा रही थी, वो जब सरकार के हाथ से निकल गए, कितने लोग 250 से 400 लोग मर चुके हैं, क्या ये रिपोर्ट दिखाई गई? नहीं दिखाई गई। तो ऐसे बहुत सारे चीज हैं। तो फिर इसके बाद एक ही मुद्दा आता है कि व्हाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड पुलिंग द मुस्लिम, मतलब सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही ये जमात की आड़ में ऐसे सेक्शन क्यों लगाए जा रहे हैं? मेरी महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश है, साथ ही साथ महाराष्ट्र गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख जी से, कि जो ये एफआईआर बनाई गई है और इसमें इनका एफआईआर में कोई लेना देना नहीं था, एफआईआर के बाद में इनके ऊपर सेक्शन रिमांड में, उनका फर्स्ट रिमांड था, उनके ऊपर 304 और 307 जो धाराएं हैं उसे ऐड किया गया। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या ये धारा जरूरी है? क्या उन्होंने किसी का मर्डर करने की कोशिश की? वो आप जिस तरह से आपका प्रोसेस किया, वो हॉस्पिटल गए, क्वारंटाइन हुए, नेगेटिव पाए गए, 2 लोग पॉजिटिव पाए गए, उसी तरह से 2 जमातें आज की तारीख में और अंधेरी डीएन नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर हुई, एपिडेमिक एक्ट
नेशनल डिजास्टर एक्ट, साथ ही साथ फॉरेनर एक्ट के तहत, ठीक है वो मानते हैं अगर, लेकिन फिर भी उससे पहले ये डॉक्यूमेंट आपको बता दूं कि सीआईडी के पास पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए गए थे कि ये लोग यहाँ आए हैं और उनके पूरे नाम की डिटेल्स है। ऐसा नहीं है कि ये लोग की सिर्फ आए थे और आप लोगों को पता नहीं है, ये पूरे लोग कौन कौन थे, कहाँ आए थे, इनके नाम के साथ पूरे देखिए 12 लोगों की डिटेल दी गई है कौन कौन थे, ये पूरी उम्र के साथ है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये बात मुझे आपको बता दूं कि मिड डे में, टाइम्स ऑफ इंडिया में और साथ ही साथ बहुत सारे पेपरों की फ्रंट पेज की न्यूज बन गई है और अब ये इंडोनेशिया एम्बेसी तक बात चली गई है। अब इंडोनेशिया एम्बेसी भारतीय एम्बेसी से इस चीज की चर्चा कर रही है कि आखिर किस क्या क्या वजह से आप लोगों ने हमारे निवासियों के खिलाफ आईपीसी की धाराएं लगाई हैं, जबकि आपको पता है कि कस्तूरबा के हॉस्पिटल से कुछ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर स्वप्निल, उन्होंने क्लियर कट कर दिया है कि हम ये जो है कस्तूरबा हॉस्पिटल मिशन नीड्स सपोर्ट ऑल दोज हु हैज सक्सेसफुली रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस। इफ यू हैव सरप्रेस द 14 डेज क्वारंटाइन आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव एंड आफ्टर द लास्ट नेगेटिव रिजल्ट, योर ब्लड कंटेन सेल्स दैट कैन द वायरस। इफ यू डोनेट योर ब्लड, अदर्स कैन रिकवर टू, एस्पेशली दोज हु आर सीरियस, प्लीज साइन अप नाउ टू डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ। उन्होंने कहा है जो लोग 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं, सही सलामत अपने घर जा चुके हैं, उन्हें रिकवर्ड हो चुके हैं, उन्हें फिर से एक बार अपना खून देना होगा। जहां तक कि मौलाना साद का भी एक रिपोर्ट आई है, वो नेगेटिव पाए गए हैं और उन्होंने भी अपने जितने जमाती हैं, जो जो लोग आए थे सब कोऑपरेट करना कहा गया है। पुलिस को पूरी जहां जहां स्टेट में कोऑपरेट कीजिए, डॉक्टर्स को कोऑपरेट कीजिए, कोई तरह की कोई धांधली करने की कोई जरूरत नहीं। आप सच हैं, सच के रास्ते पे चल रहे हैं और सच कभी छुपता नहीं और न दबता, सच की आवाज उठती है, उठती रहेगी। मैं एडवोकेट शानीला ही, जय हिंद जय भारत।